प्रधानमंत्री जी जमुई आए थे, ठीक है, दामाद के लिए, प्रधानमंत्री जी दामाद के लिए वोट मांगने आए थे, कहाँ कल परिवार वाले थे। 90 से सवाल खड़ा करते आए हैं लोग, आगे भी करते रहेंगे, लेकिन जनता हमारे साथ है और हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है ना कि आप काम दो, कुछ तो बन ही नहीं, चंदा दो, काम लो, चंदा दो, तो क्यों नहीं जाहिर हो रहा, क्यों नहीं आ रहा है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार पहुंचे थे, बिहार के जमुई में जनसभा को संबोधित किए और लालू परिवार पे जमकर हमला बोले हैं। पर अब लालू यादव के परिवार के कह सकते हैं सदस्य मीसा भारती, लालू यादव की बड़ी बेटी मैदान में कूद गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब दे रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जिस तरीके से लालू यादव पर इशारों में खूब बरस रहे थे और अब मीसा भारती ने मोर्चा संभाल लिया है और मीसा भारती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर नीतीश कुमार हो, सूबे के मुख्यमंत्री, उन पर भी खूब बरस रहे। देखिए, बिहार में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम किए हैं 10 साल को वो टेलर बता रहे थे और कह रहे थे फिल्म अभी बाकी है, पर मीसा भारती भी जवाब दे रही हैं। देखिए, 2024 साल चल रहा है, चुनावी वर्ष है, तमाम लोग मैदान में हैं। मीसा भारती को लेकर भी कहा जा रहा है कि वो पाटलिपुत्रा सीट से चुनाव लड़ेंगे, टक्कर कितना बड़ा होगा वो भी कहीं ना कहीं बता रही हैं, क्योंकि फिर से बीजेपी के प्रत्याशी हैं रामकृपाल यादव मीसा भारती के सामने मैदान में होंगे। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर क्या कुछ कर रही हैं मीसा भारती, पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। चुनाव प्रचार में निकल रहे हैं, आज बैठक है दो तीन, थोड़ा पीछे कीजिए ना प्रभात जी, हेलो, थोड़ा सा माइक पे अंदर आओ, माइक पे पीछे, माइक पीछे कर रखे हल्का, पहले कर लो, सेटल हो जाओ, हां माइक दिखाओ, माइक जो है इसको थोड़ा सा पीछे कर दो, माइक पीछे करो, फर्स्ट प्लेयर पीछे करो माइक, मैम चुनाव प्रचार में निकल रही मैम, पीएम लगातार परिवारवाद पर बोल रहे हैं और जबकि कल ट्वीट करके लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने कई मांगों पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। ये सब मीडिया में चल रहा, कल प्रधानमंत्री जी जमुई आए थे, ठीक है, दामाद के लिए, प्रधानमंत्री जी दामाद के लिए वोट मांगने आए थे, कहाँ कल परिवारवाद पे बोले, कहाँ परिवारवाद पे बोले, मीडिया में परिवारवाद आपको भी पता है, हमने लालू जी ने अपना सारा लिस्ट जारी कर दिया, तो ये पैमाने हैं। दूसरा, ये प्रधानमंत्री इसलिए इस तरह की चर्चा करते हैं अपनी नाकामियों की चर्चा करते हैं, देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, बहुत सारी चीजें जो है उसको छुपाने के लिए इस तरह की बात करते हैं, लेकिन देश की जनता और खास तौर पर बिहार की जनता उनको बहुत अच्छे से समझ गई है और सही समय पर मुझे लगता है 40 का 40 सीटों पर दावा ठोक रहे हैं, बात को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि एक ट्रेलर था, चार सौ पार कह रहे हैं, आप जनता देख रही है इसको, बताएगी अभी 10 साल के कार्य को कहा कि ये ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ जनता को भरमाने के लिए और उनको बलगराने के लिए इस तरह की बात करते हैं। मैं बार बार यही कह रही हूँ ना कि वो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, उनका पता है ना डेवलपमेंट में जो वादा किया था उसमें से कौन सा वादा उन्होंने पूरा किया, 15 लाख सबके खाते में आएंगे, बेरोजगारों के लिए खास प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरियां देंगे, तो किसको नौकरी मिली है, किसको नौकरी मिली है, हमने तो बिहार में करके दिखाया है, हमें मौका मिला, जो हमने वादा किया था उसको पूरा करके दिखाया है, 17 महीने में जो हमने काम किया, मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद इस तरह का कोई काम ही नहीं हुआ था, जितने नौजवानों को रोजगार मिला यहाँ पे, रोजगार कहने का मतलब सरकारी नौकरी। लालू जी पर भी सवाल खड़ा किया, कहा कि जो जमीन के बदले नौकरी के बदले जमीन लेते हैं वो क्या, 90 से सवाल खड़ा करते आए हैं लोग, आगे भी करते रहेंगे, लेकिन जनता हमारे साथ है और हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। इस बार की फाइट कैसे देखती है पाटलिपुत्र में, चुनाव तो चुनाव होता है, बहुत उम्मीदवार लड़ते हैं, सब लोग अपने लिए अच्छा बोलते हैं, लेकिन मैं यही कहूंगी 10 साल में उन्होंने किया क्या है क्षेत्र के लिए, क्या किया है, जाते हैं वहाँ पे क्षेत्र में किया क्या है, एक अपनी उपलब्धि तो गिना दे, मुझे क्या गिना दे, जनता को, जनता पूछ रही है अब उनसे, जाए क्षेत्र में जवाब दे जनता को। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। मेरा एक सवाल, बीजेपी का आरोप है कि रोहिणी आचार्य ने राबड़ी जी के सिक्योरिटी गार्ड्स का मिसयूज किया, क्या कहेंगे इस पर,
नहीं इसकी मुझे जानकारी नहीं है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। आप कहेंगे तो इसकी पूरी जानकारी लेके हम आपको बता देंगे। देखिए अमन भाई, यही लालू जी हमेशा यही कहते हैं कि देश खतरे में, संविधान खतरे में। ये कहना कुछ, इनके कथनी और करनी में बहुत अंतर है। कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। आप देख लीजिए ना, 10 साल में जो इन लोगों ने वादा किया, 2 बार तो देश की जनता ने इनको मौका दिया, इन्होंने क्या किया है देश के लिए, इन्होंने क्या किया है? मतलब डेवलपमेंट के लिए उन्होंने क्या किया है, बेरोजगारों के लिए क्या किया है, जो अपना ही वादा किया हुआ, अपना ही वादा किया हुआ इन्होंने पूरा किया है? हमें तो मौका मिला, हमने करके दिखाया है, हमने जो वादा किया था उसको करके दिखाया है। 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा किया था, उसमें से हम लोगों ने करीब 4 लाख 4.5 लाख नौकरियां दे करके दिखाई है। तो जनता इसको देख रही है और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ये लोग तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। और लोग अब इसको, इस मोदी जी के डिजाइन को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं और सही समय पे वो अपना जवाब। एक चीज और, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कल लालू यादव पर निशाना साधा, कहा कि जमीन के लेकर नौकरी उन्होंने दिया, नीतीश जी अरे अरे सुनिए ना, अब इलेक्टोरल बॉन्ड हम तो नहीं बोल रहे, सुप्रीम कोर्ट बोल रही है ना, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है ना कि आप काम दो, कुछ तो बन ही नहीं, चंदा दो, काम लो, चंदा दो, तो क्यों नहीं जाहिर हो रहा, क्यों नहीं आ रहा है? तो अभी आप तमाम मुद्दे को लेकर मीसा भारती को सुन रहे थे किस तरीके से जवाब दे रही थी। देखिए, तमाम जो नेता है विपक्ष के, वो प्रधानमंत्री के बयान पर हमलावर है और प्रधानमंत्री जो बयान दिए थे उस पर जवाब दे रहे थे। लालू प्रसाद यादव का भी ट्वीट आया था, पर मीसा भारती किस तरीके से प्रधानमंत्री के उस बयान पर किस तरीके से जवाब दे रहे थे वो भी हमने आपको सुनवाया। पर नीतीश कुमार कल जमुई से साफ शब्दों में कह रहे थे कि कुछ दिन साथ रख लिए तो कहते फिरते हैं कि सारा काम वही किए, क्या मेरे बिना हो जाता? अब देखने वाली बात है कि मीसा भारती ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस बयान पे जवाब दिया, आगे और भी क्या कुछ प्रतिक्रियाएँ आती हैं, क्योंकि अब रोहिणी आचार्या भी मैदान में होंगी। देखिए, लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती ने जवाब दिया है और लालू यादव के साथ हमेशा खड़ी रहती है रोहिणी आचार्या। देखिए, रोहिणी आचार्या भी चुनाव लड़ रही हैं, सामने होंगे राजीव प्रताप रूढ़ी। पर मीसा भारती ने उन प्रधानमंत्री के बयान पर उन्होंने जवाब दे दिया है और अब रोहिणी आचार्या का भी जवाब आएगा इस पर, क्योंकि कल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इशारों में खूब बरस रहे थे लालू परिवार पे, बात कर रहे थे कि जब उनकी सरकार थी तो कोई बिहार में घर से बाहर निकलता था क्या? देखिए, एक और जहां नौकरी का क्रेडिट लेने का होड़ मचा हुआ है, नीतीश कुमार खुद मंच से कह रहे थे कि काम हम लोगों ने किया पर साथ में रख लिए तो गिनवा बो रहे थे। अब देखने वाली बात होती है कि RJD के लोग और किस किस तरीके से जवाब दे रहे थे। पर अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद रोहिणी आचार्या भी मैदान में है और मीसा भारती भी जवाब दे रही थी। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव स्टडीज के साथ। लाइव स्टडीज को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।